सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वाले वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसुस टफ A15 के डिस्प्ले के बारे में। मेरे सामने जो आप लैपटॉप देख रहे हैं वो है एसुस टफ A15 का जो बेस वेरिएंट है 71,000 वाला, वो है। तो उसका आज हम लोग डिस्प्ले का पूरा रिव्यू करेंगे। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीथिंग। बाय द वे, मेरे को पता है कि बहुत जनों ने हार्डवेयर अनबॉक्स वाले जो सर हैं उनका वीडियो जरूर देखा होगा। उस वीडियो का शायद से जो कैप्शन था वो था कि एसुस टफ A15 के डिजाइन फ्लॉज, या ऐसा ही कुछ कैप्शन था। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं उनका कंटेंट तो बिल्कुल कॉपी या चोरी नहीं कर रहा। इंस्टेड उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने थोड़ा समझा, थोड़ा एनालाइज किया, तो उसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को एक अच्छा बेटर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि आप अपने लाइफ में वो चीज थोड़ा रिलेट कर पाए। सो यार, जिन्होंने हार्डवेयर अनबॉक्स का जो वीडियो है वो नहीं देखा तो यार प्लीज वीडियो देख लेना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो के साथ वो वाला वीडियो भी चेक कर लेना, तो आपको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आप वो रिलेट भी कर पाओगे अपने लाइफ के साथ। सो मैंने बेसिकली इस जो टॉपिक है स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया है, तो उन रिसर्च में से मेरे को थोड़े लेजिट कुछ वेबसाइट मिले, तो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जो एसुस टफ A15 का जो पैनल है वो पैनल है पैंडा का LM156LF2F01। सो ये वाला पैनल इस लैपटॉप के साथ आता है, डिस्प्ले वाला पैनल। तो ये वाला जो वेबसाइट है अल्ट्रा बुक रिव्यू, बहुत लेजिट वेबसाइट है, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी चेक कर लेना। बेसिकली यहाँ पे जो है वो है आप लोगों का जो कवरेज है वो है 62.1% sRGB, 43.2% Adobe RGB, और जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो है 18 मिलीसेकेंड। सो यार ये है panellook.com। ये वेबसाइट एक बहुत लेजिट वेबसाइट है और ये वेबसाइट बेसिकली सारे डिस्प्ले पैनल्स वगैरह उन सब के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने सेम वाला जो पैनल है वो सर्च किया है LM156LF2F01। तो यहाँ पे इनका सारा, इस पैनल का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो NTSC रेशियो है वो है 47%, sRGB कवरेज है 66% कवरेज, और आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 25 मिलीसेकेंड्स। अब देखो इस लैपटॉप का जो बेसिक जो रिफ्रेश रेट है बेस वाला, अगर आप लोग पकड़ लो तो वो है 18 मिलीसेकेंड्स, और इसका जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट जाता है वो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं 25 सेकेंड्स। इसका अगर मैं एक इजी एक्सप्लेनेशन दूं तो इसका मतलब होगा कि इसका जो डिस्प्ले वो है 144Hz का, तो ये 144 फ्रेम्स रेंडर कर सकता है एक सेकंड में। लेकिन यार एवरी मतलब सारे फ्रेम तो 0 मिलीसेकंड में मूव नहीं हो सकते, तो वो वाला जो टाइम लगता है मूव करने में फ्रेम्स, तो वो इसका लगता है 18 मिलीसेकंड्स, और इसका अगर जब मैक्सिमम रिफ्रेश टाइम जाता है, रिफ्रेश रेट का टाइम, वो है 25 मिलीसेकंड्स। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्सिटी में एकदम नहीं घुसेंगे, हम लोग एकदम सिंपल वे में देखेंगे इस डिस्प्ले के बारे में। सो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आप अपने लाइफ में थोड़ा ये रिलेट कर पाओगे। एक्चुअली जब मैं छोटा था तब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, या फिर अगर मैं अभी का बात करूं कि अभी जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूं, यार वहां पे जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं वहां पे उतने अच्छे भी डिस्प्ले नहीं होते। मतलब मैक्सिमम आप लोगों का डिस्प्ले आता है 5 से 7 हज़ार का, या फिर मैक्सिमम अगर अच्छा बिल्ड में जाओ तो 10 हज़ार का एक डिस्प्ले आएगा। और मैं अगर अपना पीसी का भी बात कर लूँ, मेरे पास जो डेस्कटॉप था तो उसका भी जो मॉनिटर था वो उतना अच्छा नहीं था, शायद से मैंने उसको 2012 में खरीदा था, तो शायद से उसका प्राइस मैक्सिमम 6 से 7 हज़ार रुपये था, मैक्सिमम 8,000 था शायद से। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि डिस्प्ले उतना, एटलीस्ट मेरे लाइफ में मैंने उतना अच्छा डिस्प्ले नहीं देखा। अगर आप ये सेम डिस्प्ले अगर एक 15 या 20 हज़ार छोड़ दो, या फिर अगर 10 या 12 हज़ार के अगर अच्छे जो अभी डिस्प्ले आ रहे हैं अगर उससे कंपेयर करोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। पर अगर आप पूरा एक ओवरऑल देखोगे कॉलेज के लैब कंप्यूटर्स जो लैब्स है या फिर स्कूल्स के जो कंप्यूटर लैब्स, उससे अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो यार डिस्प्ले उतना भी बुरा नहीं, उनसे एटलीस्ट बेटर डिस्प्ले है। बाय द वे गाइस, मैंने 60 हर्ट्ज में भी ये लैपटॉप टेस्ट किया है,
मैं जब 144 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज में शिफ्ट किया था तब मेरे को एक मेजर डिफरेंस फील आया था। आप लोग जब क्रोम में कुछ आर्टिकल या कुछ अगर क्रोम में स्क्रॉल करोगे तब आपको वो 144 हर्ट्ज वाला स्मूथनेस आप लोगों को पता चलेगा। उसके साथ अगर आप लोग कोई गेम अगर 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज में अगर आप लोग खेलोगे उन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को तब गेम में पता चलेगा कि कितना स्मूथ हो जाता है जब डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का आता है। 60 हर्ट्ज में आप लोगों को वो वाला स्मूथनेस एकदम नहीं मिलेगा जितना कि 144 हर्ट्ज में मिल रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो डिफरेंस है जो रिफ्रेश रेट का वो मैं आप लोगों को कैमरा में बिल्कुल नहीं दिखा सकता। अगर आपके सामने ये वाला लैपटॉप है, अगर आप खुद के हाथों से अगर लैपटॉप अगर यूज करेंगे या फिर वैसा अगर हाई रिफ्रेश रेट वाला जो डिस्प्ले है वो अगर आप लोग यूज करेंगे तब आप लोग को ये वाला डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप कोई भी गेम 144 हर्ट्ज में खेलोगे तब आप लोगों का जो गेम प्ले है वो और भी स्मूथ हो जाएगा। मतलब FPS तो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा ही, उसके साथ जब 144 हर्ट्ज या फिर हाई रिफ्रेश रेट का एक मॉनिटर आ जाता है तब आप लोगों का जो गेम या फिर कुछ भी आर्टिकल पढ़ो जब जो स्मूथनेस आता है वो स्मूथनेस और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है और इंक्रीज कर जाता है। इसलिए 144 हर्ट्ज या फिर जो हाई रिफ्रेश रेट के जो मॉनिटर है वो 60 हर्ट्ज से बहुत अच्छे हैं और आप लोग को बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इस लैपटॉप का डिस्प्ले अगर अलग लैपटॉप से कंपेयर करो जो 50 या 60,000 के रेंज के अंदर आता है यार, उन लैपटॉप से आप लोग को डिस्प्ले मतलब सच में अच्छा मिलेगा। उन सारे लैपटॉप में ऐसा भी नहीं है कि पूरा sRGB 90% कवर कर लेता है या फिर पूरा जो डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज के ऊपर आता है। सारे जो मैक्सिमम जो लैपटॉप्स आते हैं वो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले के अंदर में आता है और उनका sRGB या फिर Adobe RGB का जो वैल्यू होता है उतना भी अच्छा नहीं होता। जब तक आप इस लैपटॉप में हाई कॉम्पिटिटिव गेमिंग का नहीं सोचते तब तक ये लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ये पूरा अच्छा है। जब आप हाईली कम्पिटिटिव गेमिंग में जाते हो ऑनलाइन में तब आप लोग का 1 या 2 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स अगर देरी से आ गया तब ये थोड़ा फैक्ट करता है। पर अगर आप वैसा नहीं सोच रहे हो हाई कम्पिटिटिव गेमिंग तो यार ये लैपटॉप का डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लैपटॉप भी बहुत अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये लैपटॉप तब ले सकते हो। सो गाइज, जो हार्डवेयर अनबॉक्स वाले सर का जो वीडियो है उस वीडियो ने उन्होंने RTX वाला वेरिएंट आप लोगों को दिखाया है। मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, RTX वाला वेरिएंट और GTX 1650 Ti या फिर 1650 Ti वाले जो वेरिएंट्स हैं उन वेरिएंट्स में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। और एक बात आप लोगों को बोल दूं कि उन्होंने जो ASUS TUF A15 का RTX वाला वेरिएंट है वो वाला वेरिएंट इन्होंने MSI GL65 के साथ कंपेयर किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो GTX 1650 Ti का जो वेरिएंट है MSI GL65 का वो आता है आप लोगों का 85,000 का और जो GTX 1660 Ti वाला वेरिएंट है वो आता है आप लोगों का 1,20,000 के अराउंड का। तो इन दोनों लैपटॉप्स में i7 है, हम लोग प्रोसेसर की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग अभी सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करेंगे। सो यार मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप लोग RTX वाले ASUS TUF A15 MSI के साथ कंपेयर करेंगे देन वो इक्वल कंपैरिजन होगा, लेकिन अगर आप GTX 1650 या फिर GTX 1650 Ti वाला कोई वेरिएंट करेंगे तो यार ये एकदम इक्वल कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे कि आप लोग प्राइस ही देख सकते हैं, इसका प्राइस है 1,20,000 के अराउंड, तो यार ये इक्वल कंपैरिजन एकदम नहीं हो रहा। अगर RTX वाले वेरिएंट के साथ कंपेयर करोगे देन इट्स ओके, इफ यू कंपेयर इट विद GTX 1650 और 1650 Ti देन द कंपैरिजन इज नॉट इक्वल। सो गाइज, इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में और एक चीज बता दूं, इस लैपटॉप के डिस्प्ले में मतलब इस लैपटॉप में मैंने थोड़ा स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू देखा था। मैं आप लोगों को बता दूं ये इस लैपटॉप का या फिर डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यह स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू कुछ अलग चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कि वीडियो एनकोडर और कुछ अलग प्रॉब्लम्स। तो मैं स्क्रीन फ्लिकरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को वो वाला स्क्रीन फ्लिकरिंग मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को फिक्स करना भी सिखा दूंगा। सो यार, वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ कंक्लूड करना चाहूंगा कि इस जो लैपटॉप का जो डिस्प्ले है या फिर अगर पूरा लैपटॉप भी आप लोग देखो तो यार उतना भी बुरा नहीं है जैसा कि लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस लैपटॉप को पूरा बदनाम कर दिया है। मैंने इस लैपटॉप को 6 दिन यूज़ किया है, मेरे को तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मेरे को तो इंस्टेंट लग रहा है कि यह लैपटॉप बहुत अच्छा डील है। अगर आप 60 से 70,000 या फिर मैक्सिमम 75,000 के बजट में अगर इस मार्केट में लैपटॉप लेना चाहोगे तो यार एक ओवरऑल अगर मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँ तो अगर आप
60 से 70,000 या फिर 75,000 के रेंज में अगर लैपटॉप लेना चाहेंगे तो ये वाला लैपटॉप आप जरूर ले सकते हैं। मैं RTX वाला आप लोगों का एडिशन अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि RTX वाले एडिशन के अगर आप प्राइस के साथ कंपैरिजन करें तो उस प्राइस पॉइंट में आप लोग अच्छे या फिर बेटर लैपटॉप देखने को मिलेंगे। लेकिन 60 से 75 के अंदर जो रेंज है उस रेंज के अंदर ये वाला लैपटॉप बहुत अच्छा है। और ये वाला जो वेरिएंट है 64,000 वाला, ये मेरे को सबसे वैल्यू फॉर मनी लगता है, बिकॉज आपको सब कुछ सेम मिलता है इस वाले वेरिएंट के साथ। जस्ट जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 1650 Ti के जगह 1650 Ti दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। सो यार, इस लैपटॉप का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस लिंक से जाके इस लैपटॉप को परचेज या चेकआउट कर सकते हैं। और यार, मैं आप लोगों को और एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने हार्डवेयर अनबॉक्स वाले सर का कंटेंट नहीं चुराया है, नहीं कॉपी किया है। उनके वाले वीडियो से मेरे को थोड़ा आइडिया मिला, थोड़ा कंसेप्ट मिला, जिससे कि मैं आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन दे पाया जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए। तो गाइज, इस लैपटॉप के बारे में मैंने कुछ टॉपिक्स चूज किए हैं, मैंने फोर्टनाइट वाले वीडियो में भी वो टॉपिक्स बताए थे, इस वाले वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ। वो टॉपिक्स है थर्मल्स और हीटिंग वाला एक टॉपिक, स्क्रीन फ्लिकरिंग वाला एक टॉपिक, बैटरी एंड प्लेबैक वाला टॉपिक, डिजाइन और बिल्ड वाला टॉपिक, और शायद से एक RGB का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोगों को इन टॉपिक से भी और कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को जानना है इस लैपटॉप के बारे में, या फिर किसी और लैपटॉप के बारे में भी हो सकता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं चेक करके उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो आई थिंक मैं आप लोगों को एक ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन दे पाया हूँ जो आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए हैं। तो यार, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, प्लीज अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो, हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स थोड़े पीछे है, अभी 99 में है, चैनल रुका हुआ है। तो प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।